नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी सांड पर। मैं आ चुका हूँ सदर बाजार मेरठ में और यहाँ पे है मेरठ चाट भंडार। भाई इतनी भीड़ आपको तो बाहर ही दिख गई होगी, पर अंदर भी वेटिंग है यार। अंदर बैठने की जगह नहीं है, जबकि कम से कम 40 से 50 लोगों की सेटिंग है। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे चाट आइटम्स उसके अलावा चाइनीज़ भी हैं, लेकिन जो मेन है वो है यहाँ की टिक्की, तो हम उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोपहर के 2 बजे यार टिक्की और गोलगप्पे खाने के लिए भीड़ आपको शायद कहीं और ना दिखे, क्योंकि ये आइटम ज़्यादातर लोग शाम को पसंद करते हैं और दोपहर को लोग पूरा प्लेट थाली वगैरह ऐसा कुछ पसंद करते हैं, लेकिन नहीं यार यहाँ तो भीड़ भीड़ है। तो दोस्तों हमारे साथ राठौर जी हैं, जो कि भाई मेरे ख्याल से बहुत पुरानी दुकान है। सर कितना टाइम हो गया दुकान को? ये देखिए पहले टिक्कियाँ प्रेस करते हुए। राठौर जी कितना टाइम हो गया टिक्की बनाते हुए? मतलब आप सबको यहाँ पे काम करते हुए कितना, दुकान को कितना टाइम हो गया? 65 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा ठेला लगाते थे? अच्छा बढ़िया सर, वो भी चाट वगैरह ही, टिक्की वगैरह ही? अच्छा 40-45 दुकान को। अब दुकान आ चुकी है और चीज़ें बढ़ गई यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, इसे कहते हैं ग्रोथ। बढ़िया से प्रेस करके अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं, पूरी करारी हो जाता है टिक्की। ऊपर से और आ गया घी आ गया। भैया रेट क्या है टिक्की का? 50 की एक है। डबल 100 की? डबल 100। ठीक, हम एक पत्ते में एक ही लगाते हैं। अच्छा, साइज बड़ा है। हाँ सही बात है, वैसे भी दो खाना एक जने के लिए मुश्किल हो जाए। बहुत से खाते हैं। खाते हैं। अच्छा, इतने तैयार कर रहे हैं, अंदर से बन के आती है टिक्की, जिसके अंदर मसाले में इन्होंने बताया कि काली मिर्च और मेजरली खड़े मसाले जो यूज़ होते हैं, धनिया अदरक हरी मिर्च चने चने की दाल और भी मसाले, खड़े मसाले पीसे मसाले। सर अपनी चटनियाँ बताइएगा, चटनी में क्या क्या डालते हैं आप, कौन कौन सी चटनियाँ हैं, चला के दिखाइएगा। अरे भाई बड़ी गाढ़ी सी चटनी लग रही है, ये क्या है, इमली आमचूर वगैरह है? आमचूर की है। और ये तो धनिया की चटनी है, बढ़िया। और साथ में दही डाल के देते हैं। और ये आ चुकी है ऊपर से दही। अच्छा दूध है, क्रीम बनाने क्रीम नहीं है, क्रीम नहीं है, वो जम गया दूध। हाँ दूध है। अच्छा बढ़िया, उससे ना टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल क्रीमी। ये क्या है सर? आलू का मसाला? ये सही वाला, सही वाला। ऊपर से आगे दही चटनी और हरी चटनी और ऊपर से पापड़ी। भाई लगते ये भी बड़ा कमाल रहा है। इसका प्राइस क्या सर, कितने की है? 80। बहुत बढ़िया। स्पेशलिस्ट ये प्लेट का साइज़ देखिए, बिल्कुल टिक्की के बराबर है। ऊपर से आ गया नमक और गर्म मसाला, साथ में दही, लाल चटनी और हरी चटनी। ऊपर से छोले कहते हैं। अच्छा बढ़िया, तो टिक्की के ऊपर से नमक गरम मसाला फिर से लाल मिर्च और दही आ गई है, लाल चटनी और हरी चटनी और साथ में चने। राइट सर, धन्यवाद सर। आइए दोस्तों। तो दोस्तों इससे छोटी प्लेट आपने देखी नहीं होगी टिक्की के लिए, मतलब परफेक्ट है एक ही टिक्की के साइज़ के लिए। अमेजिंग, 70 साल पुरानी दुकान है यार। तो चलिए ट्राई करते हैं। टिक्की भी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी करारी लग रही है। सिंगल पीस देते हैं, ऊपर से चने वगैरह डाल के जैसे कि मैंने आपको दिखाया। चलिए टेस्ट करते हैं। भाई मटर वगैरह भी डाली हुई है, हरी मटर भी है, सफ़ेद मटर भी है, सफ़ेद चने और हरी मटर है, सॉरी। कुरकुरे की तरह करारी, गरम टिक्की, ठंडी चटनी और दही, खट्टा मीठा टेस्ट। मेन्यू में आप देखेंगे ना कम से कम 30 से 40 आइटम है, लेकिन भैया जो वेटर हैं यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि सर जो मैक्सिमम हमारे कस्टमर हैं टिक्की ऑर्डर करते हैं, तो टिक्की ज़रूर खाइए यहाँ पे आप। 10 यार, बहुत टेस्टी है। और ये गोलगप्पे आ चुके हैं आपको, यहाँ पे सूजी वाले गोलगप्पे मिलेंगे और
आटे वाले भी मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे। और ये भरवा गोलगप्पे भी लगते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। तो चाट के टू सेट आइटम आपको यहाँ मिल जाएगी, ऊपर से नमक और गरम मसाला लगते हुए, साथ में आगे दही। चटनियाँ और हरी चटनी और ऊपर से चने, वो आ चुके हमारे भल्ले। तो भल्ले को प्रेस करके अच्छे तरीके से उसको तोड़ा जा रहा है। इसके बाद वो आएंगे इस साइड, और यहाँ पर नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च चलते हुए, साथ में आगे दही, लाल चटनी और हरी चटनी पापड़ी के साथ। भाई साहब धन्यवाद भाई, ए टू जेड खचाखच भरा पड़ा है, इतनी भीड़ है यहाँ पे सिर्फ टिक्की खाने के लिए मेनली, बाकी क्राउड और भी है पर मेन है टिक्की यहाँ की। चलिए दोस्तों दही भल्ला ट्राई करते हैं हम, और ये नॉर्मल प्लेट में आपको डलते हुए दिखेगा, 80 रुपीस का दही भल्ला और 50 रुपये की टिक्की है, जिसमें आपके तीन भल्ले हैं, अच्छे से क्रश करके आपको दिया जाएगा। भाई चटनियाँ बड़ी कमाल, आमचूर बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला हुआ है, तो खटास बहुत ज़्यादा आ रही है, और भल्ले बिल्कुल सॉफ्ट है, मूंग दाल के भल्ले यूज़ करते हैं। पर चटनी की स्वीटनेस ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा दही डलवानी पड़ सकती है, या अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप पहले ही बोल दीजिएगा। और साथ में आप यहाँ पे साउथ इंडियन में डोसा भी मिल जाएगा, चाउमीन भी मिल जाएगी। भाई खाने को तो यहाँ बहुत कुछ है, हर चीज़ आप ट्राई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे इंजॉय करें टिक्की और दही भल्ले, साथ में सांभर वगैरह भी है। गोलगप्पे भी हैं यहाँ पे, लाल पानी हरा पानी। ये गोलगप्पे दो जगह हैं सेम है? हाँ, ये सेम हमारे एक ही शॉप है। हाँ, जामा जा जा जा, एक वहाँ जा जा। दो जगह इन्होंने गोलगप्पे लगा रखे, भीड़ ज्यादा ना हो जाए इस वजह से। हाँ, अच्छा ये भी ठीक करना पड़ता है, कस्टमर वेट नहीं करता है। सही बात है, कस्टमर वेट नहीं करता, कस्टमर वेट करेगा क्या फायदा, बिल्कुल आगे निकल जाएगा। सही बात है, तो एक ये सेक्शन हो गया गोलगप्पे का, और एक वो वाला सेक्शन हो गया गोलगप्पे का, दो जगह आपको गोलगप्पे ही गोलगप्पे मिलेंगे। हाँ, तो ये लाल पानी भी है, ये मीठा वाला है, मीठा पानी है। हाँ ठीक है, बढ़िया। थोड़ा पानी टेस्ट करवा देंगे कटोरी में? यार ये कटोरी ना बहुत पुरानी है, मतलब ये बहुत साल हो गए मेरे को इस कटोरी में खाए हुए, पुराना स्टाइल है। हींग का क्या बढ़िया फ्लेवर आ रहा है यार, सुपर डाइजेस्ट हो जाए खाना पूरा। ये मीठा पानी है, इसे सब का चाना चाहिए। अच्छा, हींग और सौंफ, अमेजिंग। अच्छा एक और टेस्ट गोलगप्पे ये। चलो ये एक पीस करवा दीजिए, आप इतना कह रहे हैं वरना मैं पेट भर गया आपकी टिक्की से। अमेजिंग फ्लेवर यार, तो पेट भर गया मेरा। यार बड़े दिल बहुत बड़ा है आपका, पेट भरा हुआ आपने, मेरे भी दो रुपये खिला दिए मेरे को।